नमस्कार, मैं सूर्य, 7i न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। हमारे खास कार्यक्रम शख्सियत में हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जिनकी ख्याति, जिनकी प्रख्याति देश में ही नहीं विदेशों में भी चर्चा का विषय है। विख्यात बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से हम आज बात करेंगे। वो क्या बोलते हैं महाराज जी, विशाल जन सैलाब क्या कहना चाहेंगे? जय सियाराम, जय बागेश्वर धाम के। ये पूरा जन सैलाब बागेश्वर बालाजी के लिए आया, ना कि हमारे लिए। तो यही कहना चाहेंगे, ये आस्था का विषय है, धर्म है, यहाँ भगवत कृपा है। बागेश्वर बालाजी स्वयंभू श्री हनुमान जी विराजमान हैं, उनकी यहाँ शक्तियाँ विराजमान हैं। हमारे गुरुदेव सन्यासी बाबा की तपस्या और साधना विद्यमान है, उसका सुप्रभाव है, सकारात्मक ऊर्जा है, जिस कारण से आने वाले भक्तों के मनोरथ पूर्ण होते हैं, वह आत्म शांति प्राप्त होती है। इसलिए लाखों लोग बागेश्वर बालाजी का आशीर्वाद पाने दौड़े दौड़े आते। इसकी आप उपलब्धि किसको देना चाहेंगे, हनुमान जी महाराज को कि अपने गुरु जी? श्री हनुमान जी महाराज, श्री हनुमान जी से ही तो गुरु कृपा, श्री हनुमान जी महाराज से ही सब कुछ है, और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। गुरु गोविंद, गोविंद श्री हनुमान जी हो गए, गुरु दास के पूज्य सन्यासी बाबा, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो उपलब्धि दास के जीवन में जो भी हुआ सब गुरु कृपा से हुआ, लेकिन यहाँ जो भी कृपा होती है वो सब श्री हनुमान जी की कृपा से होती है। कभी आज से कुछ टाइम पहले ही हम जाते हैं तो 100-200 लोगों की भीड़ ज़्यादा से ज़्यादा होती थी, आज विशाल जन सैलाब को देखते हुए आपके ये लोगों, इसमें देखिए, विशाल जन सैलाब में जिन भक्तों के कार्य सिद्ध हुए उन्होंने आपको बताया, आपने उनको बताया, आपने उनको बताया, तो सब चैन जुड़ती गई, सब बालाजी जिसको बुलाते गए वो आते आ रहे। बहुत कम समय में भक्तों का इतना बड़ा जन सैलाब उमड़ के आ गया, इतना भक्ति लोगों के मन में जागृत हो गई, इसके बारे में आप? ये 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा है, ये कम समय नहीं है, बहुत लंबी यात्रा हो गई है, बस क्रांति अभी जगी है, यूँ कह सकते हैं। आप तक मीडिया का उपयोग अभी हुआ है, पर 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा है। जब सोशल मीडिया नहीं थी, गाँव में विकास नहीं था, यहाँ लाइट नहीं थी, तो झोपड़ी में बैठ करके हमारे दादा गुरु जी दरबार लगाते थे, फिर हम बैठे, फिर इसके बाद ये क्रम लगातार 12 साल तो हमें यात्रा को करते हो गया, तो आप तक शायद अभी पहुंच पाया होगा महिमा, इसलिए आपको लग रहा। पर ये बहुत प्राचीन पद्धति का दरबार है और 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा, तो बहुत प्राचीन हो गया, तो लोग जुड़े। मैं ये कह सकता हूँ कि गुरु जी ने, हनुमान जी महाराज ने आपको ही ऐसी आज्ञा दी है कि लोगों की सेवा, लोगों का उद्धार करने के लिए आपको ही ऐसे बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के रूप में यहाँ पे विराजमान किया है। बिल्कुल, ये गुरु कृपा है, उन्होंने दास को सेवक के रूप में चुना, और हमारा दृढ़ संकल्प है जब तक हम जिएंगे तब तक मानव होकर के मानव के काम आते रहे। आप बागेश्वर धाम को किस गति से, किस दिशा में आगे ले जाना चाहते हैं? बस उद्देश्य एक ही है, सनातन क्रांति, लोग राम से जुड़े, माध्यम की आवश्यकता ही नहीं है। भक्त और भगवान का इस भारत में, पूरे विश्व में हमेशा से नाता रहा, तो हमारा चमत्कार दिखाने का कोई ऐसा मतलब नहीं है, चमत्कार है ये एक माध्यम है, पर सीधा सिद्धांत यही है कि आप श्री हनुमान जी से जुड़े, जगह जगह भटकने की आवश्यकता नहीं है, संपूर्ण विश्व के अधिनायक भगवान श्री राम जी और श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी से जुड़े। उनके लिए लिखा है, संकट कटे मिटे सब पीड़ा, कोई संकट नहीं रहेगा, कोई पीड़ा नहीं रहेगी, सब मिटेगी, तो श्री हनुमान जी से जोड़ने का उद्देश्य ही हमारा। जैसे कि काफ़ी चैनलों ने आपसे पूछा कि किस तरीके से आप, कौन सी शक्ति है, कोई पिशाच नहीं, कुछ कोई कुछ नाम देता है, तो आप कभी आप बोलते हैं कि नहीं, हमारे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है। अक्सर चैनलों ने आपके बारे में पूछा, लेकिन आप कहते हैं हमारे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है। बिल्कुल, लेकिन हमने आपका एक वीडियो देखा जिसमें आप बोल रहे हैं हाँ बताइए, हाँ बताइए, तो उसके बारे में थोड़ा? ऐसा तो हमने कभी कृत्य किया नहीं है कि बताइए बोलिए, कोई अनुभव की बात, कोई बात कर रहा हो तब जरूर सुनने के लिए हम ऐसा, बल्कि कोई पिशाचनी शक्ति वाला साधक कभी श्री हनुमान जी का नाम नहीं ले सकता, हनुमान जी को धारण नहीं कर सकता, यज्ञोपवीत धारण नहीं कर सकता, तो या तो पिशाचनी नहीं है अथवा फिर हनुमान जी नहीं है। अगर हनुमान जी होंगे तो आप ही बताओ, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान जी का नाम लेने से जब भूत पिशाच मट जाते हैं, हम तो उनकी सेवा कर रहे हैं, तो क्या वो टिक पाता हमारे पास? क्या हम मुग्धल ले पाते? क्या हम श्री हनुमान जी को विग्रह के रूप में शरीर में धारण कर पाते? तो या तो हनुमान जी नहीं है या पिशाच है। जैसे आपके परिवार के कुछ सदस्य कहीं भी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कहीं भी पहुँच जाते हैं और आपकी बुराई करते हैं कि हमारी पीठ थी, हमारा ये था, हमारी हमारे जो सिद्धि है वो हमारे पास है, उनके पास नहीं है, ऐसा ऐसा, तो कोई ऐसा भाव नहीं है, वो भी हमारे परिवार के हैं, चाचा लगते हैं दूर के, और कोई ऐसा भाव नहीं है उनके मन में भी, हमने भी बात की बाद में, और ये पीठ तो खुली है ना, आप भी बैठ सकते हो, अगर इतनी मेहनत आप कर पाओ तो आप भी बैठ सकते हो, यही फायदे का विषय नहीं है, ये कायदे का विषय है। बागेश्वर पीठ कोई फायदे का विषय नहीं है, मठ मंदिर निर्माण के लिए नहीं है, कायदे के लिए, सनातन संस्कृति के प्रचार के लिए। आप कर पाओ हमें कोई दुराय नहीं है, हम दूसरी जगह जाकर के भजन कर सकते हैं।
बिल्कुल, आपने खुल के बोल दिया, जैसे अगर आप बैठना चाहें तो आप बैठ सकते हैं, कोई भी बैठ सकता है, बिल्कुल। वे मतलब धंधे का विषय नहीं है, धर्म का विषय है, बिल्कुल। वे जैसे कि आप कहीं भी धर्म पे जाते हैं, और भी ऐसे लोग हैं जैसे संत हैं जो कभी चार्ज वसूल करते हैं, कहीं टिकट लेते हैं, कहीं टोकन लगे, लेकिन आपके यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा आपके यहाँ कुछ नहीं है। परमात्मा और भगवान की कृपा पैसों से नहीं, भाव से प्राप्त होती है। अगर पैसों से मिलती होती तो सिर्फ अमीर ही पा पाते, फिर गरीबों का क्या। भगवान राम सबरी के घर जाने का उद्देश्य यही है। जैसे मैंने हमने देखा था, आपने आपके बारे में थोड़ी जानकारी भी ली, आप बहुत काफ़ी गरीबी से गुजरे हुए हैं, काफ़ी गरीबी करीबी से देखी है, अभी तो हम नहीं बोल सकते अभी गरीबी है, लेकिन गरीबी आपने काफ़ी करीबी से देखी है, दो दो तीन तीन दिन का, जैसे कि आपने न्यूज़ चैनल में बताया है, वीडियो में बताया है, दो दो तीन तीन दिन के लिए खाने के लिए नहीं रहता था, लेकिन अब आज के दिन आपको देखा जाए तो काफ़ी प्रचुर, आप जितना चाहें उतना धन कमा सकते हैं, जितना चाहें सब कुछ कर दें, लेकिन आपके ऐसा कुछ नहीं है। धन विषय नहीं है, महत्वपूर्ण धर्म है। धर्म एक ऐसी यात्रा है जिसमें धन का तो कोई स्थान ही नहीं। अगर आप धन को स्थान दे रहे हैं तो फिर वो धर्म नहीं, फिर वो बिजनेस। इससे अच्छा तो हम बिजनेस करते हैं, हमारे पास दिमाग भी है, हमने पढ़ाई भी 12वीं तक की, बीए की, तो पढ़े लिखे भी हैं लगभग जितना होना चाहिए उतना तो है, कम से कम काम चला सकते हैं। इससे अच्छा फिर हम बिजनेस करते हैं, बिजनेस अच्छा था। धर्म बिजनेस का विषय नहीं, धर्म तो भावना का विषय है। लाखों लोगों की भावना जुड़ी है धर्म से, और धर्म से धन नहीं कमाया जा सकता, धर्म से राम नाम कमाया जा सकता। लेकिन कुछ संतों जैसे आपकी आपके जैसी जिनके पास विद्या है, वो धन के जो टिकट वगैरह, निजी विषय है, उससे हमारी पीठ को कोई लेना देना नहीं, निजी विषय है सब। आप उनको अपना कंप्यूटर मानते हैं? कभी नहीं, अभी हुआ ही नहीं कंप्यूटर, हम किसी के कॉम्पिटिशन में देखते ही नहीं हैं। धर्म कॉम्पिटिशन का विषय थोड़ी है, धर्म तो एक दूसरे के पूरक का विषय है। जैसे सामान्य क्वेश्चन रहता है, आप किस पार्टी को अपना मानते? श्री हनुमान जी की पार्टी को। उनका नारा वगैरह? हाँ बढ़िया है, हनुमान जी की पार्टी का निशान मुग्धर है, नारा यही है, जय श्री राम वोट फॉर यू। तो ये लगभग अपना 50% ज़्यादा बीजेपी से मेल खाता है? ऐसा तो नहीं है, जो मेल कर ले ये उसकी धारणा है, हमारी पार्टी किसी से मेल नहीं खाती, ये अलग है। क्या हनुमान जी किसी पार्टी के हैं क्या? नहीं तो सब। मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा, जो अक्सर आपसे मीडिया वालों ने पूछा है, आप हसमुख चेहरे और स्वभाव के धनी हुए हैं, तो शादी के बारे में, आप शादी तो अक्सर लोगों ने शादी के बारे में पूछा है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप, हाँ बिल्कुल मैं मान सकता हूँ, लेकिन आप, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे छोटे बचपन से लेके कोई ऐसा आपके मन में जिससे आप चाहेंगे कि मैं, अभी ऐसा कोई विचार नहीं, सिंगल ठीक, आगे देखेंगे जो गुरु आज्ञा होगी। आखिरी क्वेश्चन हमारा रहेगा, आप बागेश्वर धाम को किस गति से, किस दिशा में आगे ले जाना चाहते हैं? सनातन संस्कृति के साथ मानवता के पाठ पढ़ाने के लिए, पूरे समाज को एकत्र करने के लिए हमारा दृढ़ संकल्प। धन्यवाद। ये थे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, जो हमारे साथ शख्सियत खास कार्यक्रम शख्सियत में हमारे साथ मौजूद थे। ऐसे ही हम आगे आपको और शख्सियत से मिलाते रहेंगे। नमस्कार, कैमरामैन रवि के साथ मैं सूर्या, 7i न्यूज़, बागेश्वर धाम गढ़ा छतरपुर।